नमस्कार, मैं रविंदर सैनी। हमारे साथ हैं ज्योतिबा फुले, आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र सैनी जी। उनसे बातचीत करते हैं 2024 में क्या प्रतिक्रियाएं हैं, जो लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है। आइए, तो जितेंद्र जी स्वागत है आपका जनहित क्रांति। सबसे पहले जनहित क्रांति के सभी दर्शकों का मैं दिल से गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, आदाम, सत श्री अकाल जी, आदेश कीजिए जी। अभी 2024 के चुनाव नज़दीक हैं, तो अपने संगठन के माध्यम से क्या प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, लोगों के बीच क्या रुझान है? देखिए, पहली बात बता देना तो ज्योतिबा फुले आर्मी संगठन के नाम से ही आप समझ सकते हो कि संगठन किस विचारधारा पे चलता होगा जी। अंधविश्वास और पाखंडवाद से दूर है जी। शिक्षा को बढ़ावा देता है और भी अन्य जो समाज के हित के मुद्दे रहते हैं उन पर बढ़ावा देता है जी। जिस तरीके की प्रदेश के अंदर, देश के अंदर युवाओं पर, खासकर सैनी समाज, कुशवाहा समाज, मौर्य समाज, पाल प्रजापति केवट समाज की हम आवाज़ उठाते रहते हैं, पर उनको कहीं ना कहीं जिनको वो वोट देते हैं उन्हीं पार्टियों ने उनको दरकिनार कर रखा है, मतलब दबा रखा है। हाँ, दबा रखा है। उनके जब वोट लेने का टाइम आता है तब उनको वोट ले लेते हैं, जब उनको सत्ता देने का टाइम आता है तो उनको दरकिनार कर देते हैं। इस तरीके से कर देते हैं जैसे दूध में से मक्खी निकाल कर बाहर फेंक देनी हो जी। तो यही चीज़ है, लोकसभा चुनाव 24 आ रहा है। अभी हमने अपने संगठन के माध्यम से बोल दिया, अभी जो अपने कार्यकर्ताओं से सभी को आदेश दे दिया कि भाई ऐसे प्रत्याशी को या ऐसी पार्टी को उस विधानसभा से या लोकसभा के जो अंदर उनके कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता सभी से बोल दे कि प्रत्याशी जो लोकसभा चुनाव के अंदर आ रहे हैं आपके बीच में, उनको वहाँ से बाहर निकाल कर फेंक दो, जो आपकी आवाज़ नहीं उठाते, जो युवाओं की आवाज़ नहीं उठाते, गाँव की समस्या होती है उनकी आवाज़ नहीं उठाते। बिल्कुल सही बात है। अभी यूपी पुलिस का पेपर देख लो, फिरोजाबाद के अंदर एक बहन ने आत्महत्या कर ली उसी घटना को देखते हुए, और कितने युवाओं ने प्रोटेस्ट, कोई सांसद, कोई विधायक आया सामने जी। किसी विधायक ने नहीं, कुछ मास्टरों ने, जो टीचर थे उन्होंने जाकर वहाँ प्रोटेस्ट करा, तब जाकर उन्होंने हक दिलाया। तो क्या करोगे ऐसे सांसद, विधायक, ऐसे नेताओं का? जितेंद्र जी का ये कहना है कि 2024 के जो चुनाव आ रहे हैं, अपनी लोकसभा से उसी व्यक्ति को चुने जो आपके हक की आवाज़ उठा सके। यही बात विवेक सर ने भी कही थी कि जब लखनऊ इको गार्डन में धरना प्रदर्शन हो रहा था, वहाँ पर कोई भी ना तो विधायक ना सांसद आपके हक की आवाज़ उठाने नहीं आया जी। आगे क्या कहना चाहेंगे? आगे बस यही है, अमरोहा लोकसभा के अंदर हमने सैनी समाज को और अपने जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, कश्यप, पाल, प्रजापति के, सभी को आदेश दे दिया, जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं जी। हम अपने समाज के साथ साथ उस भाईचारे का भी पूरी तरीके से ख्याल रखते हैं जहाँ पर जिनकी आबादी कम है और हमारे समाज की ज़्यादा है, तो हमने साफ आदेश दे रखा है भी अपने समाज के जो भी लोग हैं उनका ध्यान रखो, उनको बिकने मत दो, उनको झुकने मत दो, अपने माध्यम से उनको पूरा सपोर्ट रखो। अभी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का मामला सामने आ रहा है, चर्चा में है बहुत ज़्यादा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में तो पूरा देश जान रहा है, SBI ने किस तरीके से सत्ता पक्ष को बचाने का काम करा, कहाँ कितने दिन का टाइम मांग रहा था, अप्रैल के बाद में का टाइम मांगा था, 24 घंटे के अंदर देना पड़ा, और कहीं ना कहीं ये उन पार्टियों के द्वारा इसको छुपाने का, क्योंकि सरासर भ्रष्टाचार है ये जी। आपको कैसे लगता है भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार जब वहाँ से डाटा आ गया भाई, पूरा डाटा लीक हो गया भाई, तुम चंदा दो सीक्रेट और कॉन्टैक्ट दो, चंदा दो ऐसे गेमिंग जो कंपनियाँ उन्होंने दे रखा है, हब पावर है जो पाकिस्तान की कंपनी, उसने भी भाजपा को चंदा दे रखा है और उस टाइम पर दे रखा है 19 में जब पुलवामा हमला हुआ था उसके आसपास में दे रखा है। तो क्या देखो कितना जमीर मरा है उन लोगों का कि पाकिस्तान हमारे देश के 40 जवानों को शहीद कर देता है और वहाँ से ये चंदा ले रहे पार्टी के लिए उसी देश की कंपनियों को। मैं नहीं, जी न्यूज और ये आज तक सारे इनके खबर चलाई एंकरों ने दिखा रखा है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ उन लोगों को कि भगत ना बनो किसी भी चीज़ के, ये देखो कि तुम्हारी आवाज़ कौन उठा रहा है। जगह जगह खड़ा कम समाज, सैनी समाज, हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं विरोध उन प्रत्याशियों का जो उनकी आवाज़ नहीं उठाते, और खदेड़ के भागकर फेंक देंगे। तो क्या करेंगे, 15 साल से एक ही बंदा यहाँ राज करता रहेगा तो फिर फायदा क्या? जो समाज उसको वोट देता है कम से कम वो तो अपनी आवाज़ उठाएगा ना, वही काम हो रहा है। खड़कवंशी समाज, सैनी समाज या अन्य समाज भी उन्हें वोट देने के लिए बहिष्कार कर रहे हैं। बिल्कुल बहिष्कार कर रहा है। जो पहले सांसद रहे दानिश अली जी, उन्होंने